बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन रही अल्लाम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं लेक्चर uh, स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो इस चैनल पर न्यू है इस uh, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए वीडियोज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स listening is a neglected skill in our daily communication listening is as important as the other three components of communication namely speaking reading and writing जैसा कि हमें पता है कि लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें फोर स्किल्स के ऊपर महारत होनी चाहिए नंबर वन इज स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो लिसनिंग स्किल है इसको निग्लेक्ट कर देते हैं इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते और इसीलिए जब तक आप एक गुड लिसनर नहीं बनते तब तक आप एक गुड स्पीकर नहीं बन सकते Much information that you send or orally is lost because of listener's poor listening habits. बहुत सी ऐसी information होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन जो लिसनर होता है उनकी हैबिट नहीं होती लिसन करने की और इसलिए वो उस इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं Here are some faults which make listening poor. अब नीचे कुछ faults दिए गए हैं कुछ drawbacks दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारी जो लिसनिंग की स्किल है वो poor हो जाती है नंबर 1 है prejudice against the speaker. समटाइम्स जब हम कोई चीज़ कोई बात सुन रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन मिल रही होती है तो हमारी पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस आ जाती है जिसकी वजह से हम लोग उस स्पीकर की बात के ऊपर फोकस नहीं करते और अच्छी तरीके से उस बात को लिसन नहीं करते इसकी वजह से हमारी लिसनिंग स्किल जो है वो इफेक्ट होती है

सम नॉन वर्बल क्यूज आर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शंस द इंटायर फिजिकल इन्वामेंट अफेक्ट लिस्निंग प्रोसेस अब समाइम्स स्पीकर का जो अपना ड्रेसअप होता है उसकी जो अपेयरेंस होती है जो उसकी लुक होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि जो लिसनर होता है वो जस्ट उसकी एक्सटर्नल फिजिकल लुक को देख कर उसकी ड्रेसिंग को देख कर अपनी लिसनिंग की अबिलिटी है या लिसनिंग का जो उसका माइंड बना हुआ होता है उससे वो डाइवर्ट हो जाता है The entire physical environment affect listening process among the negative factors are noise events, all glaring lights distracting background music overheaded or cool or oddly uh, shaped room badly decorated room etc speakers uh, appearance like uh, clumsy dress

नेक्स्ट uh, पॉइंट है तो इस तरह से मोस्ट ऑफ असीकटवीन एटी एंड वर्ड्स पर मिनट एवरी पर्सन हैज ओन थिंकिंग स्पीड पीपल हु के नॉट थिंक क्विकली विल रिटेन लेस इंफॉर्मेशन आफ्टर लिसनिंग समटाइम्स ये होता है कि जो हमारा स्पीकर है वो कि बात करना स्टार्ट करता है और हम खुद ही उसको गेस्ट कर लेते हैं कि ये ये बात कहने वाला है और हम उसकी पूरी बात नहीं सुनते और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारी थिंकिंग की एबिलिटी अभी इतनी नहीं होती जिस स्पीड से हमारा स्पीकर बोल रहा होता है तो दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा होता स्पीकर जो है समटाइम्स स्पीड से बोल रहा होता है और जो लिसनर है वो उसको उस स्पीड से उसकी बात को उसके मैसेज को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा होता अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता तो इसलिए भी हमारी लिस्निंग स्किल जो है वो इफेक्ट हो जाती है नंबर फोर्थ है वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द माइंड ऑफ स्पीकर बट द लिसनर्स गेट सम अदर मीनिंग्स This also creates communication gap. अब speaker है, वो कुछ और कहना चाहता है और जो लिसनर है वो कुछ और सुनना चाहता है या जो लिस्नर के माइंड में उस स्पीकर के मैसेज को लेकर मीनिंग क्रिएट होते हैं वो कुछ और होता है तो इससे भी हमारे अः uh, क्या है कि लिस्निंग uh, स्किल जो है वो uh, उसको हम अवॉइड कर देते हैं और वो अफेक्ट होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी है फर्स्ट पर्सन आपसे कहता है स्पीकर आपसे ये कहता है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है इट्स मीन कि वो ये चाह रहे हैं कि आप फैन ऑन कर दें या आप एसी ऑन कर दें लेकिन जो लिस्नर है वो इस बात को समझ नहीं सकता वो सिर्फ ये समझता है कि स्पीकर मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है इवन की जो स्पीकर है वो हिडनली या इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है इट्स मीन के ए ऑन कर दिया जाए या फैन ऑन कर दिया जाए बट जो लिस्नर है इस बात को नहीं समझ पा रहा होता इस सिमेंटिक मीनिंग को नहीं समझ पा रहा होता वो बस यही समझता है कि स्पीकर मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है तो जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है सिमेंटिक मीनिंग हम अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते तो भी हमारी लिसनिंग जो है वो इफेक्ट होती है नेक्स्ट है हमारे पास प्री मेच्योर एवेलुएशन समटाइम्स द लिस्नर स्टार्ट एवेलुएटिंग द टॉक और स्टार्ट प्रिपेयरिंग द आंसर बिफोर द स्पीकर फिनिशेस द सब्जेक्ट मैटर अब हमारे सामने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई हमारा uh, जो सामने वाला पर्सन है वो कुछ बोल रहा होता है तो हमें समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है या इसका क्या मैसेज है हम बजाय इसके कि उसकी बात को कंप्लीट होने दें हम लोग दरमियान में जो है उस इंटरफेयर uh, कर लेते हैं उसकी बात कंप्लीट नहीं होती और हम पहले ही एवेल्युएट करके उसकी बात का आंसर दे देते हैं तो इस तरह से भी हमारी लिसनिंग जो है वो इफेक्ट होती है क्रिएट्स एन गैप इस तरह से हमारे इन्फॉर्मेशन का गैप आ जाता है हो सकता है स्पीकर बात किसी और पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हो और वो कहना के और चाह रहा हो लेकिन हम लोग खुद ही जम्प करके उसके एवेल्युएट कर लेते हैं और खुद ही उसका आंसर दे देते हैं तो इस तरह से इंफॉर्मेशन गैप आ जाता है

Monotype, मैंने कल वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो समटाइम्स हम कुछ वर्ड्स या कुछ बातें या कुछ सेंटेंसेस लाउडली बोल रहे होते हैं या उनके ऊपर स्ट्रेस दे रहे होते हैं और कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जिनको हम थोड़ा स्लो बोल रहे होते हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते तो जब भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वॉइस में राइज एंड फॉल होना चाहिए कभी हमारी आवाज़ बुलंद हो जानी चाहिए और कभी धीमी हो जानी चाहिए अगर इस तरह की हमारी वॉइस में वेरिएशन आती रहेगी तो हमारी जो बातचीत चल रही है जो हमारे कम्युनिकेशन हो रही है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी लेकिन अगर एक ही टेम्पो में एक ही लेवल पर आप लोग या तो बहुत स्लो बोले जा रहे हैं या बहुत तेज बोले जा रहे हैं तो इसको हम मोनो टोन कहते हैं जिसकी वजह से जो है लिसनर जो है इफेक्ट होता है और उसकी जो इंटरेस्ट है उसका वो भी खत्म हो जाता है ये कुछ हमारी आ, हमने स्ट्रेटजीज देखी थी अब हम देखेंगे कि हमारे जो लिसनिंग के परपजेज होते हैं वो कौन से हैं तो हमारे फोर परपजेज होते हैं लिसनिंग के नंबर वन टू गेन इन न्यू एंड आइडियाज डेफिनेटली हम जब भी कोई चीज लिसन कर रहे होते हैं तो इट्स मीन हम अपने स्पीकर से कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कोई न्यू आइडिया गेन कर रहे होते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल होम वी मीट हम डेली रूटीन लाइफ में डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और डिफरेंट लोगों से हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है गेनिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी इंटेंशनल एज टीचर टीचिंग इन क्लासरूम सेटिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस वी गेट इन ऑफिस हाउ एवर अन इंटेंशली वी गेन इंफॉर्मेशन वी टॉक टू दीपल अराउंड हम इंफॉमेशन इंटेंशली गेन कर रहे होते हैं जब टीचर हमें लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं या हमें किसी ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको हम

Uh, we listen to other people to get inspired. Usually, we listen to our religious, political leaders, and the people who uh, have successed greatly in life. We listen to them to get inspired and to be successful in our life. पर्पज हमारा जो होता है हमारी अपनी फिल करने के लिए होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मोटिवेटर स्पीकर लिसन कर रहे होते हैं जो लोग सी एस एस में इंटरेस्ट रखते हैं वो सी एस एस पास करने वालों के इंटरव्यू सुन रहे होते हैं उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई थी इसके अलावा Uh, काशा के लेक्चर्स और जो लोग मोस्टली सुन रहे होते हैं ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सकें तो मोटिवेशन के लिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए सेल्फ इंस्पायरेशन के लिए भी हमारी लिसनिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लास्ट वन पर्पस हमारा क्या है लिसनिंग का तो वो हमारा पर्पज है टू इम्प्रूव योर ओन कम्युनिकेशन डेफिनेटली जो हमारा कम्युनिकेशन uh, का प्रोसेस है वो दो लोगों के दरमियान होता है स्पीकर एंड लिसनर के दरमियान और हम अच्छे स्पीकर तभी बन सकते हैं जब हम एक अच्छे लिसनर होते हैं क्योंकि जब हम चीजों को मैसेज को आइडियाज uh, को कॉन्सेप्ट uh, को सुनते हैं तो कानों के का जरिए से हमारे माइंड में जाते हैं माइंड में हमारे दो एरियाज होते हैं वर्निकल एरिया और ब्रोका एरिया वहां जा

आप लोगों को एक बेबी की मिसाल देती हूँ एक छोटा सा बच्चा होता है जब उसकी बर्थ होती है तो वो नहीं जानता कि उसने क्या बोलना है कैसे बोलना है कौन सी लैंग्वेज बोलनी है उर्दू लैंग्वेज बोलनी है इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है साइकी बोलनी है पंजाबी बोलनी है कौन सी लैंग्वेज बोलनी है उसे नहीं पता लेकिन वो लैंग्वेज लर्न करता है कैसे लर्न करता है जब उसके आसपास के जो लोग होते हैं उसके सिबलिंग्स होते हैं पेरेंट्स होते हैं जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं तो वो जो बोल रहे होते हैं वो बच्चा उनको लिसन कर रहा होता है, है, हो है. हो है, है. है अंडरस्टैंड करता है उसको स्टोर करता है माइंड में और एक ऐसा टाइम आता है कि जब बच्चे की लैंग्वेज डिवेलप हो जाती है और वो बोलना स्टार्ट कर देता है स्टार्ट में वो साउंड प्रोड्यूस करता है फिर वन वर्ड प्रोड्यूस करता है फिर टू वर्ड फिर इसी तरह से वो सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं तो आप लोगों ने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो जो पंजाबी स्पीकिंग फैमिलीज हैं उनके बच्चे भी पंजाबी बोलना ही सीखते हैं जो उर्दू स्पीकर्स हैं उनके बच्चे भी उर्दू बोलना सीखते हैं जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं उसकी रीजन क्या है उसकी रीजन ये है के वो अपने इन्वायरमेंट में वही लैंग्वेज लिसन कर रहे होते हैं अगर फैमिली पंजाबी स्पीकर्स है तो वो पंजाबी लैंग्वेज उनके कानों में बार बार जारी होती है वो माइंड में स्टोर हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है वो बच्चा भी पंजाबी ही बोलता है इसी तरह से उर्दू फैमिली है उर्दू स्पीकिंग फैमिली है तो उनका बच्चा भी उर्दू ही बोलता है क्यों क्योंकि वो बार बार उर्दू ही लिसन कर रहा होता है उसके कानों में उर्दू की उर्दू ही जारी होती है वो उर्दू के को अपने माइंड में स्टोर करता है और फिर उन सेंटेंसेस uh, को उन वर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ चंग्स और इन द फॉर्म ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करता है तो फोर्थ uh, वन हमारा जो पर्पज है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन आप अपनी ओन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी लिसनिंग करते हैं Role models and mentors are valuable to young people and to new professions. Uh, if your role रोल मॉडल also an effective communicator, कम्युनिकेटर will gain a lot from them. अब देखें कि आपके जो टीचर्स हैं या आपके रोल मॉडल्स हैं आप लोग उनसे जो लैंग्वेज सीखते हैं जो वर्ड्स सुन रहे होते हैं वही आप भी प्रनाउंस कर रहे होते हैं अगर वो कुछ खुद uh, अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं आप उन्ही का एक्सेंट उन्हीं की लैंग्वेज उन्हीं के टोन में अपनी लैंग्वेज को बिल्ड करते हैं अपनी लैंग्वेज को डिवेल्प करते हैं You can improve your communication skills by attending meetings, hearing speeches, or even observing famous officials speaking on television. और ये आप अपनी जो खुद की कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट वे से इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे मीटिंग्स को अटेंड करके डिफरेंट स्पीचेस को सुन के इसके अलावा जो टीवी के ऊपर टॉक शोज चल रहे होते हैं उनको लिसन करके आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं ये हमारे फोर पर्पजेज थे कम्युनिकेशन सॉरी लिसनिंग के अब हम देखते हैं कि अगर आप एक अच्छे लिसनर होते हैं तो उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप बात को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे अंडरस्टैंड करने के बाद अकॉर्डिंग टू द मैसेज आप उसका रिप्लाई करेंगे जो बात आपसे पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका रिप्लाई करेंगे नंबर वन है leads to helpful uh, positive attitude by understanding the hindrance that lie in the way of good listening so definitely aap agar acche listeners honge jo hindrances aa rahi hongi jo problems aa rahi hongi listening ke process प्रोसेस में आप उनके ऊपर ओवरकम कर लेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे अपना नंबर टू है गुड लिसनिंग परमिट्स द स्पीकर एंड लिस्नर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बाय अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एक अच्छे लिस्नर हैं अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो डेफिनेटली आप जो है पहले अंडरस्टैंड करेंगे अपने स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू और फिर आप उसका रिप्लाई करेंगे नंबर थ्री है गुड लिस्निंग इंडिकेट्स बाय फीडबैक टू द स्पीकर डेट लिस्टनर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दम एंड मोटिवेट द स्पीकर अब दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और स्पीकर अपनी बात कन्वे कर देता है लिसनर उसको अंडरस्टैंड करके उसका रिप्लाई करता है इट्स मीन वो उसको फीडबैक दे रहा होता है लिस्टनर जो है वो स्पीकर को फीडबैक दे रहा है कि स्पीकर की बात उसको समझ आ चुकी है और इसी तरह से स्पीकर फिर अपनी बात को कंटिन्यू करता है और क्योंकि उसे पता चल रहा होता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे लिसनर को समझ आ रही है और वो मुझे उसका रिस्पॉन्स दे रहा है नंबर फोर है गुड लिस्निंग हेल्प लिस्टर्स टू अपटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन विच देट अब डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे लिस्नर हैं एक अच्छे आ, आ, टेंपो के साथ बात को सुनते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन के जरिए से भी आप एग्जैक्ट डिसीजन कर सकेंगे कि क्या कहा गया है और उसके रिस्पॉन्स में क्या कहना है लास्ट वन पॉइंट है हमारा गुड लिसनिंग क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स एंड डज हेल्प लिसनर्स वर्क बेटर देन अदर्स डेफिनेटली जब आप लोग एक अच्छे लिसनर्स होंगे तो आपको बात अच्छे तरीके से समझ आएगी जब अच्छे तरीके से समझ आएगी तो आपका जो काम है वो आप दूसरों से ज्यादा बेहतर करेंगे इसकी एग्जांपल आप यू ले लेंगे जब भी कोई टीचर आपकी क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो अगर आप attentively उनको सुन रहे होते हैं तो वो lecture आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है और घर जाकर just आप उसको one time या टू टाइप time, uh, time उसको revise करें तो वो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है लेकिन अगर ड्यूरिंग लेक्चर आप अटेंशन पे नहीं करते अच्छे तरीके से लिसन नहीं करते तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप जितनी भी एफर्ट्स कर ले उस हद तक आपके कन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि जिस हद तक टीचर आपको ड्यूरिंग लेक्चर वो चीज़ समझा रहे होते हैं आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी जो आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रही थी वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल न्यू टॉपिक के साथ आएंगे आ, तब तक आप इन वीडियोस को देखिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अल्लाह हाफिज